हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन इंडिया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे किसान कर्ज माफी 2020 के बारे में, जिसको लेकर सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी और सरकार ने सभी किसानों को तोहफा और सौगात दे दिया है, क्योंकि सरकार ने किसान कर्ज माफी को लेकर कह दिया है कि अभी सभी किसानों का पूरा कर्ज माफ किया जाएगा और सभी किसानों को कर्ज से निजात दी जाएगी, यानी सभी किसानों को कर्ज से मुक्त मिल जाएगी। और इसी कारण सभी किसानों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और सभी किसानों को सहायता मिलने के साथ ही सरकार का तोहफा मिल चुका है। तो दोस्तों, अभी हम आपको बताएंगे कि किसान कर्ज माफी 2020 के जरिए आपका कैसे कर्ज माफ किया जाएगा और आपका सरकार कब कर्ज माफ करेगी। तो दोस्तों, यदि आप ये संपूर्ण जानकारी कर्ज माफी 2020 के बारे में जानना चाहते हो तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास ही में दिख रहे बेल आइकन को अवश्य दबाइएगा, ताकि दोस्तों आपको आगे भी आपके काम के और किसान कर्ज माफी के बारे में हर एक जानकारी सबसे पहले देखने को मिले। और साथ ही दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि आपका सपोर्ट भी इस वीडियो को मिल जाए। तो दोस्तों, चलिए अभी हम देखते हैं किसान कर्ज माफी 2020 के बारे में संपूर्ण जानकारी और आपको बताते हैं कि आपका कर्ज कैसे माफ किया जाएगा और आपका कर्ज सरकार कब तक माफ करेगी, यानी कि आपको कर्ज से कब तक निजात मिल जाएगी और आपका कर्ज कितना माफ किया जाएगा। तो दोस्तों, किसान कर्ज माफी 2020 को लेकर उद्धव ठाकरे का बड़ा ऐलान देखने को मिल चुका है, यानी महाराष्ट्र सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है, जहां पर महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि बाकी के सभी किसानों का ऋण भी माफ किया जाएगा, यानी कि पूरे राज्य के पूरे किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा और प्रदेश के सभी किसानों को कर्ज से आजादी दी जाएगी। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, जहां पर महाराष्ट्र में किसानों के कर्ज को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रदेश के उद्धव ठाकरे सरकार पर हमलावर है और इन सबके बीच किसानों के कर्ज को लेकर उद्धव ठाकरे ने बड़ा ऐलान कर दिया है और बड़ी घोषणा कर दी है, जहां पर उद्धव ठाकरे ने कहा है कि महाराष्ट्र में आदर्श चुनाव आचार संहिता लगी हुई थी और कोरोना महामारी की वजह से किसानों के कर्ज माफ करने में कुछ दिन की देरी हो चुकी थी, लेकिन अब हमने फैसला कर लिया और ठान लिया है कि हम बाकी बचे हुए किसानों को कर्ज को माफ करेंगे और उनकी प्रक्रिया को फिर से शुरू करने के साथ ही राज्य के सभी किसानों को कर्ज से निजात दिला देंगे, यानी कि सभी किसानों को पूरी तरह से ऋण से आजादी प्रदान कर देंगे। ये बड़ी बात कह की है यहां पर उद्धव ठाकरे ने। इसी प्रकार दोस्तों, ये भी कहा गया है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी हमारे पर आरोप लगाती जा रही है, वह सारे के सारे निहत्थ है और उन्होंने कहा है कि सभी किसानों का पूरा कर्ज माफ किया जाएगा। और दोस्तों, आप सभी को यह बता रहे, तो उद्धव ठाकरे ने जो है अपने यहां पर घोषणा पत्र में कहा था कि सभी किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ किया जाएगा और उसी के अनुसार उद्धव ठाकरे की सरकार ने किसान कर्ज माफी की प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन दोस्तों कुछ कारणवश जो है उद्धव ठाकरे की किसान कर्ज माफी बीच में ही रोकनी पड़ी थी, लेकिन अब उद्धव ठाकरे ने कह दिया है कि फिर से किसानों की कर्ज माफी की प्रक्रिया को आरंभ किया जाएगा और पूरे के पूरे राज्य के सभी किसानों का संपूर्ण 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ किया जाएगा। तो दोस्तों, इस सब प्रकार से महाराष्ट्र की किसान कर्ज माफी 2020 को लेकर बड़ी खबर निकल के सामने आ चुकी थी, जहां पर उद्धव ठाकरे के बड़े ऐलान के बाद में सभी किसानों को कर्ज से निजात मिलने वाली और सभी किसानों का पूरा कर्ज माफ होने वाला है। तो दोस्तों, यदि आपको ये किसान कर्ज माफी 2020 के बारे में संपूर्ण जानकारी अच्छी लगी है और पसंद आई है तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और साथ ही दोस्तों, इस वीडियो को अपने सभी भाइयों बहनों मित्रों के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी किसान कर्ज माफी के बारे में संपूर्ण जानकारी देखने को मिल जाए और वह भी कर्ज माफी का फायदा उठा ले। और साथ ही दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और पास में दिख रहे घंटी के निशान को दबाइएगा, ताकि दोस्तों आपको आगे भी आपके काम के और कर्ज माफी के बारे में हर एक जानकारी सबसे पहले देखने को मिल जाए। तो दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम, और साथ ही भारत माता की जय।